बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम शिंदे का भी बयान आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दो आरोपी पकड़े गए हैं, एक फरार है, इसके बारे में कहा गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं इस पूरे मामले पर। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें दो आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है, ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। एक और अहम खबर है, एक्टर सलमान खान भी पहुंचे अस्पताल। बाबा सिद्दीकी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। सलमान के बेहद करीबी दोस्त थे बाबा सिद्दीकी, और अक्सर आपने देखा है कि बाबा सिद्दीकी अक्सर ईद के समय, रोजे के समय एक बहुत बड़ी पार्टी रखते थे जिसमें कई बॉलीवुड के स्टार्स पहुंचते थे। कई बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो बाबा सिद्दीकी के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। और यही वजह है कि सलमान खान को जब खबर लगी बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चली है, तो बाबा सिद्दीकी के परिवार से और उनकी हालत जानने के लिए सलमान खान लीलावती अस्पताल उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो बाबा सिद्दीकी के परिजनों से सलमान खान ने मुलाकात की। अस्पताल पहुंचे सलमान खान, सलमान खान बेहद करीब थे बाबा सिद्दीकी के। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बहुत अच्छे दोस्त थे। और वहीं संजय दत्त भी पहुंचे लीलावती अस्पताल बाबा सिद्दीकी के परिजनों से, उन्होंने भी मुलाकात की है। तो सलमान खान के साथ ही संजय दत्त भी लीलावती अस्पताल में पहुंचे थे बाबा सिद्दीकी का हाल जानने के लिए, और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। 9:30 बजे की घटना है जब बाबा सिद्दीकी को गोली लगी, और 11:30 बजे डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। ये देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सलमान खान और संजय दत्त लीलावती अस्पताल पहुंचे बाबा सिद्दीकी का हाल जानने के लिए। उसी दौरान की ये तस्वीर है। संजय दत्त और सलमान खान बाबा सिद्दीकी के बेहद करीब थे, बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। और जैसे ही इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी उन्हें मिली, फौरन अस्पताल पहुंचे संजय दत्त और सलमान खान बाबा सिद्दीकी का हाल जानने। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में देखिए गाड़ी में बैठे हुए हैं सलमान खान, लीलावती अस्पताल के बाहर की तस्वीर है जब बाबा सिद्दीकी का हाल जानने के लिए वो अस्पताल पहुंचे, उनके परिजनों से उनकी खैरियत ली। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बताया जा रहा है कि क्योंकि खून बहुत बह चुका था बाबा सिद्दीकी का, बहुत करीब से उन्हें गोली मारी गई थी, इसलिए उनका बच पाना मुश्किल था। डॉक्टर्स ने यही कहा है कि खून काफी बह जाने की वजह से और करीब से गोली लगने की वजह से बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका। और तीसरी तस्वीर देखिए, शिल्पा शेट्टी, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ मुलाकात करने पहुंची लीलावती अस्पताल बाबा सिद्दीकी का हाल जानने के लिए। और वही हत्याकांड को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए हैं। तो इस पूरी घटना के बाद से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हमलावर हैं और सवाल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी की सरकार है, वहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, क्या कहा गया है सुनिए। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म MLA रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। ट्रैक किलर हैं ये लोग, अब किसके भेजने, किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा।
नहीं, मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनका इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा तअल्लुकात बाबा सिद्दीकी से, अब इसमें क्या क्या चीज है कैसे हुआ, नहीं मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है।